परिवारों के 55 लोगों ने गांव से पलायन कर दिया है। ये सभी लोग खेत में आशियाना बना करके रह रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कानपुर देहात में दबंगों का तांडव, 25 परिवारों ने किया पलायन, दबंग दे रहे जान से मारने की धमकी। कानपुर देहात के टिसौली गांव में खेतों में आशियाना बनाए लोग ना तो बंजारे हैं और ना ही खाना बदोश। ये सभी लोग दबंगों के डर से गांव से पलायन कर रहे हैं। दबंगों का खौफ इस कदर है कि इन 25 परिवारों को अपने परिवार के 55 लोगों के साथ गांव से पलायन करना पड़ गया। ये परिवार गांव से करीब 1 किलोमीटर दूर दूसरों के खेत में छप्पर डाल कर रहने को मजबूर है। ये लोग गांव जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंग लोग इनसे मारपीट करते हैं और पुलिस इनकी फरियाद नहीं सुनती। हम लोगों को उन लोगों से डर लगता है, बार बार आते हैं कि मारेंगे। ठीक है, कौन कौन लोग हैं, क्या नाम है उनके? अरे दीपू, अहमद, राजेंद्र मास्टर, दीपक, हरपाल, अजय पाल, इसके बाद नरेश। अच्छा, किस बात को लेकर ये लोग मारपीट करना चाहते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ जमीन के पीछे घर गाली करो। अब मकान बना दिया, पैसा लगा दिया, अब कहाँ जाएं हम लोग? अधिकारी मूक दर्शक बने हैं और दबंगों की दबंगाई अपने चरम पर है। दबंगाई के चलते ग्रामीणों का रहना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों के पलायन के बाद पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये मंगलपुर थाने के टिसोली गांव में एक परिवार जो राकेश नायक नाम का है व्यक्ति और उसके संबंधी लोग, इन लोगों को नरेश नायक नाम के जो उसी के परिवार बिरादरी के हैं, उन लोगों ने कुछ परेशान किया था जिसके डर से अपने खेत में चले गए थे। अब उसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनको वहां गोदाम उनके घर पर स्थापित कर दिया गया है। गांव में फोर्स लगा दी गई है, अब किसी तरह कोई समस्या नहीं है। आम जनता की सुरक्षा के लिए सरकार के लाख दावों पर कानपुर पुलिस पलीता लगा रही है। दबंगों के डर से ग्रामीण घरों से पलायन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दोषियों पर कार्यवाही कब होगी और पीड़ितों को न्याय कब मिलेगा। रिपोर्ट, भारत समाचार।